नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सृष्टि मिश्रा पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताने वाले हूं आपको कि गंगा स्नान करते समय छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखें और बिल्कुल भी आप गलतियां ना करें, क्योंकि इस प्रकार की गलतियों से जीवन हमारा ग्रसित हो जाता है और जिस कार्य के लिए हम आते हैं गंगा स्नान के लिए, शायद उसे हमें फल की प्राप्ति नहीं मिलती है। कई बार दोस्तों हम गंगा स्नान करते हैं और लोगों को कहते हैं कि मैं स्नान करके आया हूँ, सभी पाप हमारे नष्ट हो जाएंगे, परंतु स्नान करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं जिससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों देखिए, आज मैं आपके सामने जीना पे ही खड़ा हूँ जहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई है, और हमेशा याद रखें सीढ़ियों के बीच में आप कभी भी जूते और चप्पल का इस्तेमाल ना करें, हमेशा ऊपर इस्तेमाल करें, जहाँ ऊपर जगह है वहाँ इस्तेमाल करिए, उसके बाद आप गंगा स्नान करने आए। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, गलतियों में कभी भी गंगा जल में अपने वस्त्र प्रक्षालन ना करें, अर्थात वस्त्रों को ना धोएं, क्योंकि आप गंगा में खुद को पवित्र करने आते हैं, खुद को स्वच्छ करने आते हैं निर्मल मन से, और अपने आप को धोने के लिए आते हैं, ना ही वस्त्र को। इसलिए गंगा स्नान में कभी भी वस्त्र ना धोएं। तीसरी चीज़, सबसे बड़ी बात, कि जब भी आप गंगा में स्नान करने आएँ, तेल और साबुन का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। कभी हम तेल लगा लेते हैं, साबुन लगा लेते हैं, गंगा में नहाते हैं, कभी फल की प्राप्ति नहीं होगी। और जो चीज़ें हैं जो ख्याल रखनी है आपको, कभी भी गंगा में स्नान करते समय कानों को बंद ना करें, गंगा में स्नान करते समय हमेशा हाथ जोड़कर स्नान करें, मन को शुद्ध करें। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ आपको याद क्या रखनी है, जब भी आप स्नान करने आते हैं तो आप अपने वाहन से आ रहे हो, चाहे किसी भी चीज़ से आ रहे हो, चाहे दूसरे सवारी से आ रहे हो, तो अपने बैग में ही आप अपने लेदर का पर्स या फिर लेदर से जो भी चीज़ें हैं आप उधर रख लें, और उसके बाद स्नान करें। आप देखिए, आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी, और जिस इच्छा के लिए आप आ रहे हैं आपको वो पूर्ण भी होगा, और सुखी संपन्नता से जीवन व्यतीत करेंगे। मैं पुनः मिलूँगा, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।